हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पबजी मोबाइल की तरफ से एक छोटी सी अपडेट। रॉयल फेस्ट सीजन 12 में आप कैसे अपने केडी और अपने टायर हाइट कर सकते हैं, आज के वीडियो में फुल एक्सप्लेन बताऊंगा दोस्तों। तो केडी और टायर अगर आप हाइट करना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो एकदम लास्ट तक जरूर देखना। आज के वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट। अगर आप एक पबजी वाले हैं या फिर पबजी खेलते दोस्तों रॉयल फेस्ट सीजन 12 में, तो बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत है दोस्तों, आप अपने केडी और अपने जो टायर का इन्फॉर्मेशन है कैसे हाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है, जिससे आप कोई भी एक मैच के अभी गेम प्ले कर, अगर आप मतलब कि रैंक पुश कर रहे हैं कॉन्कर में, ठीक है, तो आपका जो केडी मतलब घटते जा रहे हैं, मतलब आप सेफ खेल रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे मतलब कि आपका जो टायर का जो इन्फॉर्मेशन है या फिर केडी है वो आप देख, मतलब कि आपके अलावा कोई और नहीं देख सकता, अपने दोस्त भी। ठीक है, अभी सिंपल मैं इस ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं रॉयल फेस्ट सीजन 12 में मेरा जो अभी एस पे हूँ दोस्तों 5 पॉइंट है। तो अभी सिंपल सा एक ट्रिक बताऊँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो केडी है बहुत ही कम है 1.45, क्योंकि मैं बहुत ही सेफ खेल रहा हूँ दोस्तों रॉयल फेस्ट सीजन 12 में कॉन्कर में जाने के लिए। ठीक है, अगर आप इसी तरह से आप भी सेफ खेल रहे दोस्तों मेरी तरफ से, तो आपको सिंपली एक मतलब छोटा सा सिंपल है, यहाँ पे दाईं तरफ देखिए यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, सेटिंग्स ऑप्शन में जब भी आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिलता है, जैसे बेसिक ग्राफिक्स कंट्रोल्स व्हीकल सेंसिटिविटी पिकअप स्कोप ऑडियो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिलता है। तो एक सिंपल सा ट्रिक है, जैसा आप अपने केडी हाइट कर सकते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है दोस्तों बेसिक ऑप्शन में। ठीक है, मतलब कि अगर आप मतलब सेफ खेले कॉन्कर में रैंक पुश करने के लिए चक्कर में, ठीक है, आपका केडी जो घटते जा रहे हैं, आप अपने जो मतलब कि क्या बोलो आपने मतलब आप किसी को दिखाना नहीं चाहते केडी या फिर टायर का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सिंपल सा ठीक है, आपको सिंपल बेसिक ऑप्शन में क्लिक करके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा एसएस राइफल वगैरह है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए। आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अलाउ अदर योर सी योर रिजल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मतलब कि आपको जो मतलब कि अगर आप चिकन डिनर जीते या फिर ना जीते, आपका जो रिजल्ट है अपने दोस्त अगर किसी एनिमी को आप मारा वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देख नहीं सकता। ठीक है, इसको सिंपली डिसेबल कर दिया, यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिलते हैं एनेबल और डिसेबल, इसको सिंपली डिसेबल कर देना। और सो कॉट फिट है दोस्तों, इसको सिंपली इनेबल भी रखने दीजिए, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों एलाउ स्पेटस, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे आप सोच लीजिए रॉयल पास सीजन 12 में गेम प्ले कर रहे हैं दोस्तों रैंक पुश के चक्कर में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं एनेबल और डिसेबल। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मैं पहले से डिसेबल कर रखा हूँ, क्योंकि मैं अभी रैंक पुश कर रहा हूँ। तो अगर आप मतलब कि बहुत ही सेफ खेल रहे हैं दोस्तों, अगर लास्ट में फाइट करते हैं, जैसे 100 बंदे के बाद आप लास्ट में जब 10 से लेकर 15 बंदे बचते हैं तब आप फाइट करेंगे, तो आप एक से लेकर 2 किल करते हैं, तो आप चिकन डिनर में ले लेते हैं या फिर रैंक भी पुश कर लेते हैं पॉइंट के चक्कर में। ठीक है, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है टायर का वो आपको नूबरा ना बोल सके, ठीक है, वो आपको गलत बुरा वाला ना बोल सके अपने स्क्वाड भी, तो इसको सिंपल आपको क्या करना दोस्तों डिसेबल कर देना। ठीक है, एलो स्पेडर, इसका बता दोस्तों एलो स्पेडर यू टू व्यू टायर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों, इसको भी सिंपल डिसेबल कर देना। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीज़ें डिसेबल कर देंगे दोस्तों, तो आपका जो रॉयल फेस्ट सीजन 12 का जितने भी केडी और टायर का इन्फॉर्मेशन है किसी और आपका जो इन्फॉर्मेशन है कभी नहीं देख सकता आपका परमेश्वर के अलावा। ठीक है, इसको सिंपल दोनों चीज़ को आप डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ जाएगा दोस्तों मैंने दोनों चीज़ दे दिया, बस इसी दोनों चीज़ को आपको सिंपली मतलब डिसेबल कर देना है, एलाउ स्पेटस और एलाउ स्पेटस एंड टायर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और एलाउ रिसीविंग रेडियो मैसेज रॉयल पास सीजन, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है रॉयल पास सीजन 12 इन्फॉर्मेशन, आपको जो रॉयल पास सीजन 12 में जो रैंक है कितना रैंक है वो भी आप डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, आप फिनिश टॉप टायर रॉयल पास सीजन, आपके जो रॉयल पास सीजन मतलब कि जो आपका जो रैंकिंग है कितना है दोस्तों वो भी आप हाइड कर सकते हैं यहाँ पर डिसेबल करके। ठीक है, तो इसको सिंपल एनेबल रखने दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन जान सके सब लोग, बस ये दोनों चीज़ आप हाइड कर दीजिए केडी और आपको जो टायर का इन्फॉर्मेशन है, इससे दोनों चीज़ अगर आप मतलब कि डिसेबल करेंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देख सकता, अपने दोस्त अपने रिश्तेदार कोई भी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है खुद पबजी वाले छोड़ के। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ आए दोस्तों इस ट्रिक के बारे में, तो वीडियो में थोड़ी सी आप लोगों को मदद कर दी दोस्तों, तो वीडियो में एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों से खुल के शेयर कर देना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप अपने रैंक पुश करते रहिए, आई होप आप लोगों को पता चल गया दोस्तों मेरे वीडियो देखने के बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पबजी खेलते रहिए और घर पर बैठे रहिए, अभी कोरोना वायरस के लिए बहुत ही है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।